मीडिया वन आगे ले जाओ सर। इतनी जो भीड़ है हजारों की संख्या में, ये क्या दास्तां बयां कर रहा है? देखिए, हसन में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक हसन में अकेले प्रताप गोड़ा हमारे विधायक थे, इस बार हम 4 सीट जीत कर हसन के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। सर, लिंगायत समुदाय के अपमान का आरोप सिद्धरमैया साहब पे लग रहा है। कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी लिंगायत वोकगिला एससी एसटी वोकलिगा एससी एसटी सबको साथ में रखकर आगे बढ़ रही है, ओबीसी समाज को भी साथ में रखकर आगे बढ़ रही है। कहीं चुनने का सवाल ही नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो करे जिक्र, कॉन्क्रीट आरोप हो तो कोर्ट में जाना चाहिए, ना एक भी जांच है ना एक भी मुकदमा है। किस प्रकार से ऐसे निराधार आरोप पर जनता विश्वास करे? जनता विश्वास नहीं करे। हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। अब राहुल जी को तो मैं जवाब नहीं दे सकता, परंतु ग्राउंड रियलिटी में जो देख रहे हूँ, इस क्षेत्र को हमारा हरा हुआ क्षेत्र है, निश्चित रूप से इस बार हम।